जम्मू कश्मीर का आतंकवादी हमला भारत की आज़ादी पर एक बहुत बड़ा दुस्साहस, भारत की एकता अखंडता संप्रभुता को तोड़ने के लिए ये एक बहुत बड़ा प्रहार है। आतंकवादी चाहे वो देश के अंदर पनाह लिए हुए, चाहे वो देश की सीमाओं से अंदर प्रवेश कर रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, एक भी आतंकवादी वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। और खास करके हाफिज सईद और अजहर मशहूर, वो तो जहां पर भी हैं उनको जिंदा या मुर्दा या तो भारत लाना चाहिए या उनको ओसामा बिन लादेन की तरह वहीं दफन करना चाहिए। ये भारत को कदम उठाना ही पड़ेगा। और पाक अधिकृत कश्मीर में जितने आतंकवादी शिविर चल रहे हैं, पहले उनको ध्वस्त करो और यदि हो सके तो पाक अधिकृत कश्मीर का भारत में विलय कर लो। इसके बिना पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। वह एक बहुत ही नादान, बहुत ही मूर्ख, अपरिपक्व और एक जाहिल देश की तरह आचरण कर रहा है। तो भारत के प्रधानमंत्री को अब एक बड़ा कदम उठाना पड़ेगा और पाकिस्तान को सबक सिखाना पड़ेगा एक्शन के द्वारा। क्योंकि हमने बहुत बार कहा है कि हम शहीदों की शहादत का बदला लेंगे, जुबानी जंग तो बहुत हो गई, अब जुबानी हिसाब किताब से बात बनेगी नहीं, बड़ा एक्शन देश के प्रधानमंत्री को लेना पड़ेगा और सारे देश के लोगों को प्रधानमंत्री के पीछे खड़ा होना पड़ेगा। इसमें किसी भी तरह की कोई ओछी राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह देश की एकता अखंडता और संप्रभुता की बात है। या फिर से देखिए सर्जिकल स्ट्राइक, ये तो ऊपर करो, अब ज्यादा नहीं उससे आगे बढ़ना। सर्जिकल स्ट्राइक से आगे बढ़कर के पाक अधिकृत कश्मीर के आतंकवादी शिविरों को ध्वस्त करना पड़ेगा और पाक अधिकृत कश्मीर का भारत में अब विलय करने का वक्त आ गया। और हमें परमाणु हमले से डरने की जरूरत नहीं है। यदि पाकिस्तान के पास एक परमाणु बम है तो उसके जवाब में हमारे पास 10 परमाणु बम है। और परमाणु बम का मसला नहीं है ये, आखिर भारत के साहस, वीरता और भारत की आजादी को बचाने का मसला है। इसमें हम हर बात में ये डरते रहे कि कल को परमाणु हमला हो जाएगा और लड़ाई हुई तो हजारों करोड़ रुपए देश को आर्थिक नुकसान हो जाएगा, जो भी नुकसान हो, अब एक बार आर पार हो जाना चाहिए।